लेक सिटी उदयपुर देश और दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन अब यहाँ पर मौजूद खेल सुविधाओं को विदेशी भी पसंद करने लगे हैं। इसका उदाहरण उदयपुर स्थित शिकारबाड़ी में संचालित होने वाली वंडर अकेडमी है। यहाँ पर अभ्यास के लिए अमेरिका के प्रवासी भारतीय खिलाड़ी गौरांशु शर्मा और अमन पटेल, दोनों ही खिलाड़ी क्रिकेट कोच मनोज चौधरी के निर्देशन में 2 माह से क्रिकेट के बेसिक सीख रहे हैं। एकेडमी के सीनियर कोच मनोज चौधरी ने बताया कि उदयपुर में 25 वर्षों से यह एकेडमी संचालित हो रही है और साल में करीब 100 से अधिक मैचेस यहां पर कराए जाते हैं। इसके साथ ही एकेडमी के पास करीब 3 नेट और 2 बड़े क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ छात्रों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर छात्र आकर क्रिकेट के सभी प्रकार के बेसिक सीखते हैं और उन्हें हर कला में माहिर करने का प्रयास किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए कई विदेशी छात्र इनसे संपर्क कर यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। अभी तक दर्जन भर से ज़्यादा छात्र यहाँ पर क्रिकेट की ट्रेनिंग ले चुके हैं और हाल ही में USA से आए 2 छात्र क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर यहां पर ट्रेनिंग के लिए देश भर से छात्र आते हैं, जो क्रिकेट के गुण सीखते हैं। बाहर से बच्चे आने का क्रिकेट सीखने का, जब आप अच्छा काम करते हो तो पूरी दुनिया से आपको लोग सर्च करके आते हैं, क्योंकि लास्ट हम लोग 1999 से काम कर रहे हैं, 1999, तो हम लोगों को 24 ईयर जो है चल रहा है। तो जब आप इतना सारा रिजल्ट, इतने प्लेयर खेलते हैं तो लोग आपके पास खेलने के लिए आते हैं। आज अगर सुविधाओं की बात करें तो हमारे पास 10 नेट्स हैं अलग अलग तरीके की। आज हमारे पास 2 ग्राउंड हैं, एक ग्राउंड हमारा 80 यार्ड का है, दूसरा ग्राउंड हमारा अभी काम चल रहा है वो भी ऐसे। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद लोग आपके पास आके खेलते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास? अगर विदेशी स्टूडेंट्स की बात करें तो कहाँ से छात्र आके आपके यहाँ एकेडमी में सीख रहे हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास US के आए हैं, 8 से 9 बच्चे। उसके अलावा श्रीलंका है, वहाँ से 2 बच्चे। इसके बाद नेपाल है वहाँ से, और अभी भी एक टीम हमारी श्रीलंका से जून के लास्ट में आने का चल रहा है, जूनियर एज ग्रुप।